इसमें क्या जांच कर रही है, उसमें आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? हाँ, पिछले शाम को हमें एक शिकायत पत्र आईजीएमसी प्रिंसिपल आईजीएमसी की तरफ से प्राप्त हुआ था, जिसमें यह आरोप था कि एक छात्र द्वारा जो है जाली दस्तावेजों के आधार पर एमबीबीएस प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया गया है, तो उसमें कार्रवाई की जाए, जिसके आधार पर हमने पिछले कल ही शाम को इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट सदर थाना शिमला में दर्ज की है। और अभी इसका अन्वेषण जो है प्रारंभिक स्तर पर है और इसका अन्वेषण किया जा रहा है, और आरोपी जो छात्र है उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो सर, क्या पूछताछ में उस जो आरोपी छात्र ने अपनी गलती मानी है, किस तरह की जांच है और अभी तक उसमें कोई भी शिकायत है? हाँ बिल्कुल, इसने अपनी गलती मानी है, लड़के ने जो है माना है कि इसने जो है झूठे दस्तावेज के आधार पर जो है इसने फॉर्ज करके ऑनलाइन जो अपने जो नंबर है उसको बढ़ा करके दूसरे के नंबर अपने को बढ़ा करके जो है इसके आधार पर इसने एडमिशन लिया है, और इसने ये जो है इसके इसने जो है चीटिंग करी है, चीटिंग के आधार पर इसने एडमिशन लिया है। तो इन धाराओं के तहत मामला दर्ज? हाँ, इसमें अभी जो है 420 467 आईपीसी की धाराएं लगाई गई है, और इसके अतिरिक्त इसमें अभी जो है आईटी एक्ट की धाराएं भी जो है इसमें सम्मिलित की जाएगी। सर, लड़का नाबालिग था या बालिग था, कितने वर्ष का था और किस तरह से ये पूरा उसने अमलीजामा अपनाया, और क्या उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था पीएमटी का, क्या उसने कहा है? एक्चुअली वास्तव में ये छात्र जो अभी 20 वर्ष का है, और इसने 3-4 प्रयास इसने किए हैं, नीट के एग्जाम इसने दिए, लेकिन इसके नंबर जो है थोड़े कम आते थे, तो पिछले बार भी इसने जो पिछले वर्ष इसने नीट का एग्ज़ाम दिया तो उसमें इसके 400 नंबर आए थे, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं मुझे लगता है पूछताछ जो हमने करी है उसके आधार पर लगता है कहीं ना कहीं प्रेशर था इसके ऊपर, कि भी जो है इसके चारों और जो घर के आसपास में जो है पड़ोसी है वो एमबीबीएस है, और उसके परिवार में भी काफ़ी इसके जो कज़न वगैरह वो एमबीबीएस है, तो कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से भी प्रेशर था कि भी एमबीबीएस बना है, तो इसने ये रास्ता चुना, इसने किसी इसने इसका कोई नोन था, उसके जो नंबर और फोन नंबर इसको मालूम था, तो जब इसने अप्लाई किया था यहाँ पर आईजीएमसी के लिए एएमआरयू के माध्यम से, तो वहाँ पे उसने जो उसके नंबर उसने जो लड़की के बढ़ाए हुए नंबर 560 नंबर इसने अपने डाले, और उसने अपना नाम जो है उसमें फौज करके इसने अपना नाम डाल दिया, और उसके नंबर जो है वो किसी दूसरे के डाल दिए, रोल नंबर और नंबर, तो अंततः जब ये वेरीफाई हुआ एडमिशन से, एडमिशन भी जो है एजेंसी ने प्रथम वर्ष में ले लिया था, अभी अक्टूबर पिछले वर्ष अक्टूबर नवंबर में इसने एडमिशन लिया था, और अभी प्रथम वर्ष में जो है यहाँ पे आईजीएमसी में जो है छात्र था, तो अभी जब इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन हुई जो मेडिकल काउंसिल को इन्होंने इसके डॉक्यूमेंट्स भेजे, तो वहाँ पे जब इन्होंने चेक किया इसको प्रॉपरली, तब जाकर ये उजागर हुआ कि जो है इसने फॉर्ज करा है। सर, प्रेशर की आपने बात की, तो क्या किसी परिवार जन से भी आपकी बातचीत हुई, क्या परिवार की तरफ से कोई प्रेशर था, या किसी परिवार को पता था कि सरगर्जी वाला? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल अभी ये प्रारंभिक स्तर पर है अन्वेषण, अभी इसका अभी सारे जो है अन्वेषण के दौरान सभी पहलुओं पे जो इसमें अन्वेषण किया जाएगा, तो अभी चीज़ें जो है और जो आगे बाकी की चीज़ें आगे खुल कर आएंगी। सर, ये अकेला ही था या इसके साथ इसमें कोई और भी शामिल था कुछ? हाँ, ये देखने वाली बात है, अभी जो है प्रथम दृष्टया तो जो है इसका ये कहना कि जो उसमें कोई इसके साथ सम्मिलित नहीं था, लेकिन फिर भी जो है हम सभी पहलुओं को ध्यान में रखेंगे और देखेंगे कि कहीं और कोई इसके साथ सम्मिलित था या नहीं था, ये एक अभी अन्वेषण का विषय है, आगामी अन्वेषण का विषय है ये। ठीक है सर, थैंक यू।